इस वक्त हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये वेक्टर्स का टॉपिक है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर असल में एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड असल में उसका साइज होता है, जिससे पता चलता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, और डायरेक्शन से ये पता चलता है कि ये जो भी क्वांटिटी है ये किस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को फिर जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, और वेक्टर के अगेंस्ट में जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं तो वो क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है, उसमें किसी डायरेक्शन वगैरह के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब वेक्टर जो है इसको हम आम तौर पर दो पॉइंट्स के जरिए से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वेक्टर लिखा हुआ है ओ ए, इससे भी एक वेक्टर शो हो सकता है। इसी तरह ए स्मॉल लेटर्स में सिर्फ, उससे भी वेक्टर शो हो सकता है, और बोल्ड में ए स्मॉल लेटर्स में बनाकर उससे भी लेटर ये वेक्टर शो हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वेक्टर जो है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वेक्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इस वेक्टर के लिए एंडिंग पॉइंट बी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी है। ये तीनों मीनिंग्स इस ए बी नोटेशन के जरिए से कन्वे हो रही हैं, इससे पता चल रही है। अगर कोई वेक्टर डी सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है, इसका एंडिंग पॉइंट सी है, और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम डी टूवर्ड्स सी है। ठीक है, तो जब भी आप दो लेटर्स के जरिए से, और ये फिर कैपिटल लेटर्स होते हैं, इनके जरिए से जब हम किसी वेक्टर को शो करते हैं तो उसके नेम के अंदर, उसकी नोटेशन के अंदर ये सारे मीनिंग्स कन्वे हो जाते हैं। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसको ना किसी स्मॉल लेटर से भी शो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ए बी, ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंट हो रहा है, या बाज़ औक़ात हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है डी सी, ये किसी स्मॉल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हम स्मॉल लेटर्स को यूज करके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर्स हैं ये जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ना, ये उससे बहुत सिमिलर हैं। पॉइंट्स और वेक्टर्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं, जैसे अभी आगे चल के और इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी तो वहां पर हम इस बात को और देखेंगे। थर्ड ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है। अब देखें, वेक्टर ना यहाँ पर एक खास तरीके से शो किया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स वाई इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, जिसकी हम बात कर रहे थे। इस वेक्टर को डिस्क्राइब किया गया इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल टू और थ्री। तो ये टू और थ्री एक खास इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। पहला एलिमेंट है ना इस कॉलम मैट्रिक्स का, ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और ये जो थ्री है ये आपको वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। और जाहिर है जब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर लाएंगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अगर लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू टू थ्री, तो इसका मतलब क्या होगा? सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ए से स्टार्ट करें और 2 यूनिट्स आप जाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और चूंकि 2 पॉजिटिव है तो आप राइटवर्ड जाएं, और 3 यूनिट्स वर्टिकल जाएं तो आप पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे। और यही वेक्टर ए बी है जो कि इस कॉलम मैट्रिक्स 2 3 से शो हो रहा है।
अच्छा, अब अगर मैं आपको डी सी के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स बनाकर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 3 और -4, तो इसका मतलब क्या होगा? ये करता हूं, देखें, इसका मतलब ये है कि -4 यूनिट्स वर्टिकल है ना, तो मैं 4 यूनिट्स डाउनवर्ड आ गया। लेट सपोज कि ये -4 का डिस्टेंस है और फिर 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल है, तो अब मैं डाउनवर्ड आने के बाद 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल गया, तो हमने डी सी का वेक्टर शो कर दिया। दूसरा, आप ये कर सकते थे कि पहले आप डी से हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स जाते और फिर वहां से 4 यूनिट डाउनवर्ड आते, तब भी आप सी पर ही पहुंचते। तो एक और बात इसमें ये है कि आप चाहें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले कवर कर लें गिवन वेक्टर के मुताबिक, या आप वर्टिकल डिस्टेंस को पहले कवर कर लें, उससे आपका जो एंडिंग पॉइंट है ना वो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें, अब देखें, अगर हमें वेक्टर ए बी की डायरेक्शन से गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को चेक करना है कि लेंथ ऑफ ए बी, दिस वेक्टर ए बी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके आंसर ले आएंगे। तो ये 2 और 3, तो आपके पास 4 प्लस 9, तो √13, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। यानी अगर आप सिर्फ ए से बी तक की लेंथ देखेंगे ना, तो वो इसी के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम डी सी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, तो हम वही काम करेंगे दोबारा। हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्टेंस उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 था, वर्टिकल डिस्टेंस -4 था, आपके पास आंसर 9 प्लस 16 आ जाएगा और एड अप होके ये 25, यानी 5 यूनिट्स। तो आपके पास ये जो डी सी की लेंथ होगी ना, ये 5 यूनिट्स होगी, जो कि अगर हम इसको किसी केस में फिजिकली बना के चेक करना चाहें तो हम वैसे भी चेक कर सकते जी हैं। सर, तो अब तक हमने ये समझा कि वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो कैपिटल लेटर्स या किसी एक स्मॉल लेटर के जरिए से, और अगर आप कैपिटल लेटर की नोटेशन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा। उसमें जो पहला लेटर होगा वेक्टर ने वहां से स्टार्ट होना है, और जो दूसरा लेटर लिखा हुआ है वहां पे एंड होगा, और वेक्टर की डायरेक्शन फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर से सेकंड एंडिंग पॉइंट तक उसकी डायरेक्शन में होगी। फिर ये कि वेक्टर को ना हम कॉलम मैट्रिक्स से शो करते हैं, जिसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है कॉलम मैट्रिक्स का या फर्स्ट नंबर होता है, वो आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको बताई, और जो दूसरा नंबर होता है वो आपके वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पैरेलल या अलोंग एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होता है। और फिर अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है और तो उसका मतलब क्या होगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वो हमने यहाँ पर देख ली। और तीसरी बात फिर मैंने आपको ये बताई कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वो कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पोजिशन वैक्टर्स की। देखें, पोजिशन वैक्टर क्या है, मिसाल के तौर पर आपको एक वैक्टर गिवन है ना ए बी, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि इसका मतलब है कि ए से बी की तरफ जाते हुए 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 3 यूनिट्स वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये आपका वेक्टर ए बी बन जाएगा। और आपने देखा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, अब जहां भी ए है उससे 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 3 यूनिट वर्टिकल जाके आपको बी मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इस ए की पोजीशन क्या है, ए कहाँ लाए करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, मैं कहता हूं कि ए यहाँ पे लाए करता है, तो आप 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 3 यूनिट वर्टिकल जाकर आपको बी यहाँ मिल जाएगा, तो ये आपका वेक्टर ए बी बन जाएगा। या मैं आपसे कहूं कि ए वहां नहीं यहाँ पे लाए करता है, तो आप इसी लिहाज से यहाँ पर एक वेक्टर बना देंगे, ये आपका बी हो जाएगा। या मैं आपसे कहूं कि ए इधर लाए करता है, तो आप यहाँ भी ये वेक्टर बना सकते हैं, ये भी ए बी हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि ए यहाँ लाए करता है, तो आप यहाँ पर भी उसी लिहाज से यानी 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 3 यूनिट वर्टिकल से ये वेक्टर बना सकते हैं।
तो इसका मतलब ये कि जब तक हम ए की पोजीशन को फिक्स नहीं करेंगे ना, ये वेक्टर कहीं भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर आपको कहीं पर भी ए बता दिया जाए या आपकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए कि आप जहां भी ए बनाना चाहें बना लें, बस उसके बाद हमें वेक्टर ए भी करेक्ट चाहिए, तो वो आप कहीं पर भी बनाकर वेक्टर ए भी शो कर सकते हैं। सही है? तो ये मसला हर वेक्टर के साथ होता है कि उसके ना स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन यूँ समझें कि फिक्स नहीं होती, या जब तक स्पेसिफाई ना हो हम उसे फिक्स नहीं कर सकते और हम कहीं पर भी रखकर उसे बना सकते हैं। बस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट किस तरह आएगा वो चीज़ फिक्स हो जाती है। अब इसकी पोजीशन या इसकी प्लेस को फिक्स करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी एक पॉइंट की पोजीशन को फिक्स कर देता है, और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है ये हमेशा ओ से शुरू होगा। और ओ यहाँ पर किसे शो करेगा? तो ओरिजिन आपका यूं समझें कि मेन या सेंट्रल पॉइंट बन गया, जहां से रेफर करते हुए आप अपने तमाम पॉइंट्स को फिर शो कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखें, आपके पास अगर ओ ए मिसाल के तौर पर 3 और 4 गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है? आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है, 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल जाना है, 1 2 3, और 4 यूनिट्स आपने वर्टिकल जाना है। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपका पॉइंट ए होगा, और आप ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनाएंगे ये वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर ओ ए कहलाएगा। ये बिल्कुल ए बी की तरह ही है, बस वहां पे मसला ये था कि ए की पोजीशन क्या है आप नहीं बता सकते थे, लेकिन अब मैं पूछूं कि इस वेक्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ओरिजिन, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो आप बता सकते हैं कि वो हमेशा कहाँ लाए करता है? वो हमेशा 0 0 पर लाए करेगा, इसके अलावा वो कहीं लाए नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो वेक्टर्स हैं ये पॉइंट्स से मिलती जुलती चीज है। अब फर्ज करें मैं इसी कार्टेशियन प्लेन पे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, और मैं कहता हूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा 4, तो आप क्या करेंगे? आप उसी तरह ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल जाएंगे और 4 यूनिट वर्टिकल जाएंगे, तो आपका जो पॉइंट आएगा ए आप वहां पर मार्क कर देंगे। तो अगर आपको सिंपल कोई पॉइंट गिवन हो उसकी मदद से भी आप उसका पोजीशन वेक्टर आसानी से बना सकते हैं, और अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो आप उसकी मदद से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं। फर्ज करें आपको -2 और 5 ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी के। अब बी के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका पोजीशन वेक्टर बना दें। ए के कोऑर्डिनेट्स थे 3 कॉमा 4, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए 3 4 बना था। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 5, जी इसका पोजीशन वेक्टर -2 5 बनेगा। मतलब क्या होगा कि अगर आपने बी को लोकेट करना है तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, -2 यूनिट्स जाएंगे और फिर उसके बाद आप 5 यूनिट्स वर्टिकल आ जाएंगे, तो आपको बी मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 5 होंगे। और अगर आप इस बी को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी कहलाएगा, जिसमें अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -2 यूनिट्स का है, देखिए ये डिस्टेंस आपने कवर किया, और वर्टिकल डिस्टेंस 5 का है जो आपने कवर किया था, तो उसका पोजीशन वेक्टर -2 5 बनेगा। तो ये एक और एग्जांपल है कि अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसकी मदद से उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं आपको ओ सी का
वेक्टर बताता हूँ और वो है 3 - 2, और मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। ओ सी हमें 3 - 2 के बने ना, तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करके 3 यूनिट्स, 1, 2, 3 यूनिट्स आएंगे हॉरिजॉन्टल, और -1, -2 हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा सी, और ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करके हमें पोजिशन वैक्टर ओ सी मिल जाएगा। इस सी के कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं कि 3 - 2 ही होंगे, तो पोजीशन वेक्टर और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये तकरीबन एक जैसा मीनिंग रखते हैं। बस ये कि पोजीशन वेक्टर में हमें 2 लेटर्स चाहिए होंगे, हम स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करेंगे, तो आपको शुरू में हमेशा ओ नजर आएगा, ओरिजिन नजर आएगा, और उसके बाद जिस पॉइंट तक आप जा रहे हैं उस पॉइंट की नोटेशन आ जाएगी, और पॉइंट बताते हुए ये अंडरस्टूड होता है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पर सिर्फ एक लेटर यूज करते हैं और आगे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट्स ए बी, ये एक आपका पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, देन द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी जो कि ओ पी से शो होगा इज रिटन एज ओ पी इज इक्वल टू अ कॉलम मैट्रिक्स, और उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए और वर्टिकल डिस्टेंस बी होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड द सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर वो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम ए बी इज इक्वल टू सी डी करके इन्हें शो कर देंगे। अब फर्ज करें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और ए बी जैसे हम देख रहे थे हमारे पास है 2, 3, तो सी डी के लिए वेक्टर क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है कि ए से स्टार्ट करके अगर आपको बी तक पहुंचना था तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 यूनिट और वर्टिकल डिस्टेंस 3 यूनिट्स आपने कवर किया था। बिल्कुल ऐसा ही सी से डी की तरफ जाते हुए भी होगा, जब आप सी से स्टार्ट करेंगे और डी की तरफ जाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 यूनिट्स और वर्टिकल डिस्टेंस 3 यूनिट्स कवर करना होगा। इसको हम कहते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि बी ए इज द नेगेटिव ऑफ ए बी, बी ए का मतलब है कि आप बी से स्टार्ट करेंगे और ए पर आएंगे, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा जो ए से स्टार्ट करके बी की तरफ आप गए थे। बी ए इज अ वैक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वैक्टर ए बी बट हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए बी, वी कैन राइट बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी या ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, दोनों लिखे जा सकते हैं और दोनों सही होंगे। अच्छा अब देखें, एक वैक्टर है आपके पास ए बी 2, 3, मैं बी ए लिखना चाह रहा हूँ। देखें अगर आप B से A की तरफ आते हैं तो आप वर्टिकली क्या करेंगे, 3 यूनिट्स डाउनवर्ड आएंगे, और हॉरिजॉन्टली आप क्या करेंगे, 2 यूनिट्स लेफ्ट पर आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर बनेगा, यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा -2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका -2 है और वर्टिकल डिस्टेंस -3 है। तो ए बी 2, 3 है और बी ए -2, -3 है। अब अगर इन दोनों को हम रिलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू -(bA). कैसे, ए बी का मतलब है 2, 3, माइनस टाइम्स यहाँ पर है -2, -3। अब माइनस से आप उसके दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वहां भी आपके पास 2, 3 आ जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि बी ए जो होगा वो माइनस ऑफ ए बी के इक्वल होगा। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू पुट कर दूं 2, 3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखें बी ए के लिए वही वेक्टर बन गया जो हमने यहाँ पर बनाया था इसकी फिजिकल डिस्टेंसेस वगैरह को देखते हुए। नेगेटिव वेक्टर
अपने ओरिजिनल वेक्टर जैसा ही मैग्नीट्यूड रखता है, बस उसकी डायरेक्शन अपने ओरिजिनल वेक्टर के ऑपोजिट होती है। जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय जीरो से, बल्कि डिनोट कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और जीरो मैग्नीट्यूड के साथ जो है ना जो वेक्टर बनता है वो क्या होता है असल में, और जीरो वेक्टर जो है ना वो एक पॉइंट होता है, ठीक है, यानी आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पर हैं, कहीं आपने कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों कवर नहीं किया, तो वो आपका जीरो वेक्टर है। वो है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। सम का मतलब है कि आप उन दोनों को ऐड करेंगे, और डिफरेंस का मतलब है कि आप एक वेक्टर की डायरेक्शन को ना नेगेटिव कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। तो इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमिंड बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि आपने अगर ए बी प्लस बी सी किया तो आपके पास आंसर ए सी आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने वेक्टर ए बी ड्रॉ किया, ए से स्टार्ट किया बी पे पहुंचे, तो ये आपका ए बी हो गया। फिर उसके बाद बी सी है, तो बी से स्टार्ट किया सी तक पहुंचे, इन दोनों का जो सम आएगा वो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करके ला सकते हैं, ए सी, ये इनका सम है। आपने एक वेक्टर लिया सी डी और इसमें आपने एक वेक्टर ऐड किया डी ई, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फिलहाल के ऊपर सी के बाद ये डी हो गया, ये सी डी हो गया। डी ई जो है वो मैं यूं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका पॉइंट ई हो गया। अब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये इनका जो सम आएगा वो इस तरह से आएगा, इसको हम सी ई कहेंगे। तो आपने नोट किया कि जब हम वेक्टर्स ऐड कर रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट का एंडिंग पॉइंट और सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, पहला वेक्टर जहां एंड होगा दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट होगा, ये करेक्ट वेक्टर एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। और अगर ये दोनों सेम ना हो तो फिर इसका मतलब होता है कि कुछ मिस्टेक हुई है या बीच में कुछ गैप है, वेक्टर्स को करेक्टली एड नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरा एक मेथड है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। हम ये करते हैं कि हमें एक वेक्टर ए बी और ए डी को ऐड करना होता है, ए डी जो है ना उसके पैरेलल एक वेक्टर हम बी सी ले लेते हैं, ताकि पहला पॉइंट, पहला वेक्टर जहां एंड हुआ था बी पर, वहीं से अगला वेक्टर स्टार्ट हो जाए, और फिर फर्स्ट को लास्ट से ज्वाइन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है सी डी, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है जो कि यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ है इस तरह से, इसको हम कह देते हैं सी ई। अच्छा, अब देखें वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपने ये वाला काम करना है कि आपने सी डी में सी ई ऐड करना है, सी डी में हमें वेक्टर सी ई ऐड करना है, तो सी डी जहां पर एंड हो रहा है उसी पॉइंट से अगला वेक्टर शुरू होना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम सी ई के पैरेलल और इक्वल, यानी जो सी ई की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, और जितना सी ई का एक मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड के साथ एक और वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम डी एफ कह देते हैं। तो आपके पास एक पॉइंट एफ आ गया। अब आप ये करें कि एफ को ई से भी ज्वाइन कर दें और अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था सी, वहां से इस एफ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें। ये जो सी एफ होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी एफ, और आपके पास जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वेक्टर एडिशन से वो सी एफ कहलाएगा। ये मेथड पैरेललोग्राम मेथड कहलाता है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कैसे आता है, तो जैसे मिसाल के तौर पर द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमिंड बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपके पास ए बी माइनस ए सी है,
ए बी माइनस ए सी, इसका आंसर आपके पास सी बी आएगा। लेट से यहाँ पर एक वेक्टर है, इसको हमने कहा है कि ये वेक्टर ए बी है, इसी पॉइंट ए से एक दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, इसको हमने कहा है कि ये ए सी है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ए बी और माइनस ए सी करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने ए बी को ड्रॉ कर दिया जैसे कि वो था, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब माइनस ए सी का मतलब होगा, हमने जैसे पहले अभी देखा कि माइनस ऑफ ए सी, इसका मतलब सी ए होगा। तो हम ये करते हैं कि हम सी से स्टार्ट करके ए की तरफ आते हैं, ये आपका वेक्टर बनेगा जब आप सी से स्टार्ट करके ए की तरफ आएंगे। और आपका रिजल्टेंट आपको किस तरह मिलेगा, ये जो पॉइंट है ना सी, यहां से आप देखें हम पहले ए पर आए फिर ए से बी पर गए, तो रिजल्टेंट इस तरह मिलेगा कि हमने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की वहां से अपने एंडिंग पॉइंट तक हम डायरेक्ट आ जाएं। तो ये जो सी बी है ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, सी बी। अच्छा, अब देखें अगर आपके पास दो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स या मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है तो उनका एडिशन सिंपल मैट्रिक्स एडिशन से और उनका डिफरेंस सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से फाइंड किया जा सकता है, तो ये काम आसान होगा। अच्छा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, उसमें हम मैट्रिक्स की तरह से ही काम करते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास एक वेक्टर है ए, अगर आप इसको टू टाइम्स करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। और डबल किस तरह होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी बस जितना पहले इसका मैग्नीट्यूड था ना, मैग्नीट्यूड अब उसका डबल हो जाएगा। और अगर आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल के मुकाबले में हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन वही सेम रहेगी बस मैग्नीट्यूड पहले के मुकाबले में आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव क्वांटिटी से तो अब उसका असर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही थी। नेगेटिव नंबर से किया है तो मिसाल के तौर पर एक वेक्टर था ए, उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर आपने 2a किया तो देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हुआ, डायरेक्शन सेम रहेगी। -2 से किया तो मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। हम दो वेक्टर्स ओ ए प्लस ए बी को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल इसका आंसर ओ बी आएगा। ठीक है, अब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें। ओ ए का मतलब है कि हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया और हम किसी पॉइंट ए पर पहुंचे तो पोजीशन वेक्टर ओ ए बन गया। ठीक है, ए बी का मतलब है कि फिर ए से हम एक पॉइंट बी पर गए तो हम यहां पर पहुंच गए। इसके वेक्टर एडिशन का तरीका ये होगा कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आप अपने एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो आपको आपका आंसर ओ बी मिल जाएगा। अब देखें मैं इसी रिलेशन को ना यूं लिख रहा हूं कि मैं ओ ए को दूसरी साइड पे मूव करना चाह रहा हूं, तो अगर हम इस ओ ए को दूसरी साइड पे मूव कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ओ ए लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, वहां जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि माइनस ओ ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं ओ बी प्लस ए ओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए से स्टार्ट करें तो हम ओरिजिन पे पहुंच गए, ओ बी का मतलब है ओरिजिन से बी पर जाएं तो आपके पास रिजल्टेंट ए बी आएगा। अपने स्टार्टिंग पॉइंट को अपने एंडिंग पॉइंट से मिलाते हैं तो ये ए बी आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये वाला भी रिलेशन है लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
असल ये दो बातें आपको याद रखनी है, और उसमें से भी ना ये वाला रिलेशन अच्छी तरह याद रखना है। अब इसको याद इस तरह रखें कि अगर कोई वेक्टर है ए बी, तो इस वेक्टर ए बी को आप इनके पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। करना क्या होगा कि जहां वेक्टर एंड हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है ना, उसका पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हमने देखा कि हमेशा ओरिजिन से रिलेट करके बनता है, उसको पहले लिखें। जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखें, और दरमियान में एक माइनस का साइन लगा दें। तो आपके पास कोई सा भी वेक्टर अपने जो दो पॉइंट्स है ना उसके, उनकी पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंडिंग पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका तरीका है लिखने का। अब आप मुझे बताएं कि सी डी को हम क्या लिखेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर मैं वेक्टर लिखूं पी क्यू तो क्या कहेंगे आपके लिए। तो ये बात आप सबको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, वेक्टर को मैट्रिक्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स किसी तरह से ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर जिसको हमने कहा था, वेक्टर ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, इसी तरह से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कैसे चेंज होती है, सही है, ये सब चीजें हमने देखी हैं। अब बस एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ना दो वेक्टर्स देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इनके ना वेक्टर्स न्यू बने हुए। अब आप क्या इन्फर करेंगे इनके मैट्रिसेस को देखते हुए, कॉलम मैट्रिसेस को, कि अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, कि आप सी डी को कन्वर्ट कर लें ए बी में, तो क्या करेंगे आप, और आप देखें कि ये जो आपने एक नंबर सेलेक्ट किया ना, ये नंबर दोनों के लिए सेम है, यानी 2 और 4 दोनों एक ही वक्त में इस तरह कन्वर्ट हुए कि वो ए बी के इक्वल नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, तो उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से रिलेटेड होता है, कि ए बी इज इक्वल टू सम नंबर टाइम सी डी, अगर ये पैरेलल हैं तो। नहीं, आप एक ही नंबर लेंगे और उसी से दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको दोनों के लिए अलग अलग नंबर नहीं चाहिए होगा। फर्ज करें एक है 3 6 और एक है 1 2, क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं? 1 को अगर आप 3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 को अगर 6 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर 3। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी अगर आप p को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो q के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के वेक्टर q इज पैरेलल टू वेक्टर p। एक और एग्जांपल देखें, क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं? 1 को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब आप ये चेक करें कि क्या ऊपर वाला भी ऐसे ही कन्वर्ट हो रहा है, 0.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें क्या 4 आ रहा है? अगर सेम नंबर दोनों को कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है। हम इसको लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर a। आपने अगर वेक्टर a को b में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैरेलल है या नहीं? हाँ, अगर हमने 1 को 5 में कन्वर्ट करना है तो जाहिर हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 5 से मल्टीप्लाई होके 4 भी 15 में कन्वर्ट हो रहा है? इसका मतलब ये है कि C is not parallel to D।
मैं कहता हूं कि ए इज पैरेलल टू बी, अब आप मुझे बताएं कि अगर इसमें से मैं x फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करेंगे, सही है? अब ये 2 आपने कैसे पहचाना, आपने कहा कि 6 को 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2, तो 24 को 8 माइनस x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये बताएं कि 2 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे या 8 माइनस x को करेंगे, और ये गलती आमतौर पर होती है कि हम 8 माइनस x को कर रहे होते हैं, देखें यहाँ हमने 12 को नहीं मल्टीप्लाई किया, 6 को किया, तो जिस मैट्रिक्स के कंपोनेंट को किया है उसी मैट्रिक्स का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो अब देखें मैं ये करता हूँ कि 48 और 8 माइनस एक्स, सो माइनस 40, ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप इस माइनस 40 को 8 माइनस एक्स में पुट करके चेक कर लें तो आपके पास 8 प्लस 40 से 48 आएगा, जो कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 के इक्वल है। अब देखें मुझे जो इस टॉपिक का आपको ओवरव्यू देना था ना, वो तो मैं आपको दे चुका हूँ, अब इसके बाद जो है ना हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं पास पेपर्स के।